तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा इवॉल्व लेजेंड चाइनीज वर्जन गेम जो बैन हो गया था वो वापस आ चुका है, और देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इंग्लिश में है। मैं बताने वाला हूं कि आज की वीडियो में कि आप किस तरह इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि गेम हमारा पुराना वाला गेम की तरह है कि नहीं, ये देख सकते हैं कि इसके में जितने भी अटैक्स हैं वो सब के सब, और जितने भी ग्राफिक्स भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, बस थोड़ा सा फ़र्क है हमारे इवॉल्व लेजेंड से। और देख सकते हैं पोकेमोन भी इसमें वैसे ही हैं, रायचू, पोलिरस, जेपडॉस, सब कुछ मतलब कि जैसे हमारा पुराना गेम था वैसे ही इस गेम में भी आप सब कुछ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं आप स्नो लैक्स भी आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं हूँ। और फिर से आप देख सकते हैं इसमें जो चीज़ है, बस थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं आप कि जो ग्राफिक्स हैं वो थोड़े से चेंज हैं, क्योंकि हमारे पुराने इवॉल्व लेजेंड में जो होम पेज रहता था वो कुछ अलग था और इसमें कुछ अलग था, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लीडर बोर्ड पर अगर नज़र डालें तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा पुराना गेम था। और इस गेम की एक खासियत ये भी है कि इसमें भी देख सकते हैं आप चेक इन है, जिस तरह हम लोग लॉग इन रिवॉर्ड लिया करते थे उसमें से, और जैसे कि एडवेंचर किया कर सकते थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अरीना जिस तरह था हमारे वॉल लेजेंड में इसमें भी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जेपडॉस मेरा ब्लू प्लस टू में है, चारिजार्ड है, पॉलीरैथ है, यानी कि सब के सब जितने भी पोकेमोन हैं इस गेम में भी हैं। और तो और इसमें काफ़ी सारे नए पोकेमोन भी, जैसे देख सकते हैं आप सकीटैरस जैसे कि उस पोकेमोन गेम में यानी कि वॉल लेजेंड में नहीं था और इस गेम में है वो। और आप देख सकते हैं ट्रेन भी मैं कर सकता हूँ, जैसे हम लोग वहाँ पर लेवल अप करते थे कैंडी खिला के, वैसे ही इसमें भी वैसा ही है, यानी कि लगभग लगभग हमारा गेम वापस आ चुका है। बस थोड़ा सा पिछले वाले गेम से साइज़ इसका ज़्यादा है, इसका साइज़ होने वाला है अराउंड 800 MB, और आपको देखने को मिलेगा सेम टू वैसा ही। और तो और पिछले गेम से भी मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा गेम है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कितने सारे नए नए फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे एम्पायर पब हो गया, वाइल्ड एक्सप्लोरेशन, ह्यूमन रीजन भी है इसमें। उस गेम में सिर्फ कैंटो और जोटो रीजन था, और इसमें देख सकते हैं ह्यूमन रीजन भी है। और पोकेमोन गैशेपन भी आप देख सकते हैं, ये वही है एपिक ड्रॉ या और नॉर्मल ड्रॉ जिस तरह हम लोग करते थे, वैसे इसमें भी हम लोग वैसे ही खोल सकते हैं। खोल के मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे वैसे ही है जिस तरह हमारा पुराना गेम था। तो गाइस गेम की ये बात तो हो गई कि गेम कैसा है, अब बात करते हैं कि गेम आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए, इस गेम का नाम है क्रेजी मॉन्स्टर, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये गेम और इन्जॉय कर सकते हैं। मेरा इसमें जोन है 383, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।